दर्शकों, मैं सुनील भाटिया सीधा प्रसारण लेकर आया हूं आपके लिए मुंबई हाई कोर्ट से। आप देख रहे हैं कल तक न्यूज। जिस ऐतिहासिक सुनवाई के लिए सारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, दर्शकों आज उसका फैसला हो चुका है और वही सुनवाई आपके लिए सबसे पहले हमारा चैनल लेकर आ रहा है। ये वही शख्स है दर्शकों जिसने पूरे हिंदुस्तान के सोच विचार में एक अद्भुत क्रांति मचा दी है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं कांजी भाई मेहता की। ये वही है जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड के तहत अपनी सारी खोई हुई पूंजी वापस पा ली है। कांजी भाई ने हमारे पुराने रीति रिवाजों को जड़ से हिलाकर एक नए सोच विचार की धारा प्रस्थापित की है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ मानो कांजी भाई के सपोर्टर्स की बाढ़ आई है। आइए हम इन लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। कांजी भाई को तो हमारा पीएम बनाना चाहिए। कांजी भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद कांजी भाई। कांजी भाई री बात सुनन रे बाद में मन्ने तो यहाँ लगे मैं मारो माथो क्या छोल लू, इतना सुना बाल है मारा। और कांजी भाई तो भाई कलजुग रो देवता है। कांजी भाई इज रियल तल्लाईवा। Hey bro, after hearing Kanji Bhai, I'm 100% convinced that worship of stone idol is sheer madness. I've told my parents to please excuse me from all these things. दर्शको ये देखिए, लोगों ने कांजी भाई को कलयुग का संत, हमारे प्रधानमंत्री और थलाइवा जैसे सुपरस्टार की उपाधि दे दी है। अरे ये देखो कांजी भाई आ गए। अरे कांजी भाई, अरे कांजी भाई, कांजी भाई, कांजी भाई, कांजी भाई। कांजी भाई, ये लॉजिक आपने कहाँ से सीखा? कांजी भाई, क्या आप पार्लियामेंट जाना चाहेंगे? कांजी भाई, इतनी बड़ी जीत प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कांजी भाई, आपके सफलता का राज क्या है? अरे भाई रुको रुको रुको, एक एक करके सवाल पूछो, मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़े ना हूँ। कांजी भाई, कांजी भाई, इतनी बड़ी जीत प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये देखो पूछ रहा है कैसा लग रहा है। अरे भाई, जयपुर की लोकल बस में विंडो सीट मिलने के बाद कैसा लगता है, वैसी फीलिंग मुझे आ रही है। कांजी भाई, भारत की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? अरे ये भारत जब तक पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहेगा ना, तब तक इस भारत का कुछ नहीं होगा। नो चांस, कोई प्रगति नहीं होगी। कांजी भाई, आपके लिए प्रगति सक्सेस की परिभाषा क्या है? सक्सेस? सक्सेस की तो केवल एक ही परिभाषा है, पैसा। पैसा और केवल पैसा। अरे भाई, जिसकी जेब में पैसा दुनिया पूछती कैसा। कांजी भाई, क्या आप पार्लियामेंट में जाना चाहेंगे? अरे वोट मिलेंगे तो क्यों नहीं। कांजी भाई जिंदाबाद। कांजी भाई जिंदाबाद। कांजी भाई जिंदाबाद। कांजी भाई जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कांजी भाई जैसा हो। और हमारा नेता कैसा हो? कांजी भाई जैसा हो। कांजी भाई जिंदाबाद। कांजी भाई, केस में जीते हुए पैसों को आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं उन्हें गिनना चाहूंगा। कांजी भाई, एक और सवाल, लोगों में यह चर्चा है कि जल्द ही आप कांजी मठ की स्थापना करने वाले हैं। कांजी मठ की स्थापना? अरे भाई, मैं एक बनिया हूँ और मैं केवल उसी धंधे में हाथ डालता हूँ जिसमें कोई कंपटीशन ना हो। और वैसे भी इस धंधे की तो खटिया मैं खुद खड़ी करके आया हूँ, और खड़ी हुई खटिया पे कोई सो सकता है भला? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा कांजी भाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कांजी भाई का नाम रहेगा। कांजी भाई जिंदाबाद। कांजी भाई जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा कांजी भाई का नाम रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कांजी भाई के मनमोहक निराले अंदाज को। अगर आप कांजी भाई के विचारों से सहमत है तो तुरंत अपना फोन उठाइए और SMS कीजिए यस 420420 पर। याद रखिए, हमारी वोटिंग लाइन केवल कल रात 10 बजे तक खुली है। दर्शकों, आपके लिए मैं सुनील भाटिया, कैमरामैन विजय खुनेकरी के साथ, कल तक। सुशीला, कहां हो तुम? अरे घर में तो कोई नहीं है। हेलो, हाँ सुशीला, कहाँ हो? क्या भैया भाभी के यहाँ?
वहां क्या कर रही हो? क्या तीर्थ यात्रा पे जा रही हो? अरे सुशीला, माना कि तुम्हारे भगवान हैं, मगर ये शेर चूहे बिल्ली पर बैठे गुड्डे गुड्डियों के साथ कब तक खेलती रहोगी? और अगर कहीं जाना ही है तो किसी हिल स्टेशन पे जाओ ना, तीर्थ यात्रा भी कोई घूमने जाता है भला? क्या मैं नहीं आऊंगा? ठीक है, तुम चली जाओ। अच्छा है, घर में थोड़े दिन शांति रहेगी। रात को कौन फोन कर रहा है यार? हेलो हेलो हेलो, हाँ कांजी भाई, हाँ कांजी भाई बोल रहा हूँ। कौन? कांजी भाई, मैं जयंती। हाँ, अरे जयंती, हाँ बोल यार, इतनी रात को फोन किया। वो सुशीला बहन, भाभी। क्या सुशीला, क्या हुआ सुशीला को? कांजी भाई, उनका एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट? डॉक्टर साहब, आप कौन? मैं कांजी भाई मेहता, वो मेरी बीवी सुशीला, वो अंदर। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते, उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को क्या हुआ, मेरी सुशीला को क्या हुआ डॉक्टर साहब? वेल मिस्टर कांजी भाई, आई एम सॉरी टू से, बट योर वाइफ इज इन कोमा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। कांजी भाई, फिकर मत करो कांजी भाई, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान, अरे काहे का भगवान, उसी के चौखट पे तो माथा रगड़ने गई थी मेरी सुशीला, और उसने जयंती, अब सुशीला के बगैर मेरा, मेरे बच्चे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरी सुशीला का ये हाल किया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसे टुकुर टुकुर का है देखा तो हमका, परेशान होका, या हमरे जरे कोई और गोला से आए हो? क्या बोल रहे हो भाई, तुमरा भी रिमोट वर्क हो गया का? अरे पी के हो क्या जो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? अरे हाँ, हम पी के हूँ, बताना नहीं का हमका, तुहार नाम का है? अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ यार, क्या कर रहे है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, छोड़। अच्छा तो तुम हो कांजी भाई जिसने भगवान पे केशवा किया है? अरे भैया, हमरी भी हेल्प बा कीजिए ना प्लीज, हम ई गोला का नहीं हूँ, बहुत ही दूर के गोला से आया हूँ,
वहाँ पर हम एस्ट्रोनॉट हूँ। बवाल मच गया उस दिन वहाँ पर, तब पता चला कि तू और गोला है, जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं। तो वो भेजा हमको यहाँ पर रिसर्च करने को, पर आते ही का बैर कम हुआ हमारा, कोई हमारा रिमोट ही छीन लिया ससुरा। अब रिमोट नहीं है तो हम सिग्नल नहीं भेज सकता, अब सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने, वो सोचेगा ये डेंजर गोला है, हम मर मुरा गया यहाँ पर। जब हम यहाँ आया तो पता चला कि हमारा रिमोट हुआ किसी ढोंगी तपस्वी के पास है, कहता है कि शिवजी के डमरू का टूटा हुआ मनका है और यहाँ सबके फिरकी ले रहा है ससुरा। अच्छा तो आओ मेरे साथ, भगवान और इस पूरे धंधे का पर्दाफाश करते हैं। कहाँ? कोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है श्री कांजीबाई मेहता। पूरे भारत में क्रांति मचाने वाले कांजीबाई मेहता के लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति मच गई है। उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला मेहता का कल देर रात तीर्थ यात्रा जाते समय एक्सीडेंट हुआ है। सूत्रों के अनुसार उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जाती है, वह आज कोमा में है। इस सदमे का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है, वह पूरी तरह से टूट गई है। इस पूरे दुर्घटना में भगवान को दोषी ठहराते हुए उन्होंने पुनः भगवान तथा सारे धार्मिक प्रतिनिधियों को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांजीबाई के प्रतिक्रिया जानने पर हमें पता चला है कि कांजीबाई धर्म इस शब्द को ही भारतीय संविधान से हटा देना चाहते हैं। जी हां दर्शकों, अब मुकाबला तय है। इस देश में या तो कांजीबाई रहेंगे या फिर धर्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांजीबाई से पराजित होने के पश्चात क्या ये धार्मिक अनुयायी कांजीबाई के शब्दों के बाणों का सामना कर पाएंगे? आइए आंखों देखा हाल सुनते हैं हमारे संवाददाता सुनील भाटिया से। सुनील, क्या आप मुझे सुन सकते हो? हाँ, दीपक मैं सुन सकता हूँ। हाँ तो बताइए वहां की क्या परिस्थिति है? दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं कुटुकुलु आश्रम के बाहर हूँ। यहाँ पर सारे धार्मिक अनुयायियों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर कांजी भाई के आरोपों का तीव्र निषेध कर रहे हैं। आइए हम इस विषय पर सिद्धेश्वर महाराज की प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न करेंगे। सिद्धेश्वर जी महाराज, आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? अरे मूर्ख है वो मानव, भगवान की शक्ति को टटोलने चला है। अब तो स्वयं कल्कि अवतार ही उसका नाश करेंगे। महाराज जी, कल्कि अवतार तो बाद में आएंगे, जनता यह जानना चाहती है कि अब आप क्या कदम उठाने वाले हैं? हम जैसे सिद्ध पुरुष कीचड़ में पत्थर नहीं मारा करते। धन्यवाद सिद्धेश्वर महाराज। दर्शकों, अब हम जानना चाहेंगे गोपी मैया से। गोपी मैया, आपकी क्या राय है? कांजी भाई के इन फिजूल विवादों में हमें कोई रस नहीं, हमारा रस तो केवल कृष्ण के रास में है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गोपी मैया। तो दर्शकों, अब चलते हैं हाल ही सुर्खियों में आए तपस्वी महाराज के पास। तपस्वी जी, आपसे हमारा ये प्रश्न है कि आप पीके का सामना कैसे करेंगे? कौन है ये पीके? कहीं परवेश खान तो नहीं या पाशा कमाल तो नहीं? कृपा करें आप लोग, अगर सवाल पूछना है तो जाकर उस पीके से पूछिए क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है। दर्शकों, अब हम चलते हैं विश्व विख्यात श्री श्री स्वामी लीलाधर जी के पास। अरे निर्लज है वह नास्तिक, जिस विषय पर उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं पास किया, उस विषय पर
PhD की बातें करने जा रहा हूं। औंधे मुंह गिरेगा वो औंधे मुंह, उसका चेहरा भी देखना हमारे लिए महापाप है। तो क्या इसका मतलब है कि इस बार आप न्यायालय नहीं आएंगे? जब चप्पल हमें काटती है तो क्या हम चप्पल को काटे? तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इन धार्मिक प्रतिनिधियों के शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस बार युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। क्या कल अदालत में कांजी भाई का सामना करने के लिए कोई भी नहीं आएगा? इस सवाल का जवाब केवल समय ही दे सकता है। दर्शकों, आपके लिए मैं सुनील भाटिया, कैमरामैन विजय खुनेकरी के साथ, कल तक। आज कांजी भाई का हियरिंग है। आज कांजी भाई क्या जादू करेंगे? लगता है आज कांजी भाई पूरा गुस्सा निकालेंगे। अरे बड़े बड़े स्वामी डर रहे आने के लिए। तो क्या आज कोई नहीं आएगा? All rise. So, Mr. कांजी भाई मेहता, क्या इस बार भी आप अपना केस खुद लड़ना चाहेंगे? जी हाँ जज साहब, और इस बार मेरा दोस्त पीके भी मेरे साथ है। कांजी भाई की दलीलों का जवाब देने के लिए कोई भी उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने एक सरकारी वकील की नियुक्ति की है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, भारत में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पिछली बार भगवान और उनके नाम पर हो रहे इस पूरे धंधे का पर्दाफाश करने के बाद भी तकरीबन चीजें वैसी ही चल रही है। पत्थरों को आज भी पूजा जा रहा है, उन पर आज भी बाल चढ़ाए जा रहे हैं, आज भी तीर्थ यात्रा में जाकर लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। जज साहब, जब तक इन चीजों पर कानूनी रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक इस देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जज साहब, बाकियों को तो छोड़ो, मेरी धर्मपत्नी जो एक पत्थर के दर्शन को गई थी, आज अस्पताल में वो खुद पत्थर बनकर पड़ी है। माय लॉर्ड, मैं अकेला ही नहीं, इस भगवान नामक बीमारी से हर रोज हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं जज साहब, ये कैंसर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि भारत के संविधान से हर प्रकार के धर्म, मजहब, रीति रिवाज और प्रथाओं के पालन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जज साहब, यह प्रश्न हर एक भारतीय का है, जिसका उत्तर न किसी के पास था, न किसी के पास है और न किसी के पास होगा। इसलिए अदालत से मेरी विनती है कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको कुछ कहना है? नो माय लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे कांजी भाई के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। लगता है केस इधर ही खत्म हो गया। अरे मुझे तो पहले ही पता था। अरे कांजी भाई ने तो कमाल ही कर दी। साइलेंस प्लीज। कांजी भाई मेहता के द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का उत्तर देने के लिए इस अदालत ने कई धर्म अधिकारियों को बुलाया था, परंतु यहाँ आने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ और सरकारी वकील के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ठहरिया जज साहब, कांजी भाई के बिछाए गए शब्द जाल के अंधकार को नष्ट करने के लिए शास्त्र की एक छोटी सी किरण ही काफी है। जज साहब, भगवान, उनके भक्त तथा तमाम भारतवासियों की ओर से मैं अजय कृष्णदास कांजी भाई की चुनौती को स्वीकारने का उत्तरदायित्व उठाता हूँ। अरे युवकों ने, अरे कोई भी रहने दो, कांजी भाई के सामने कोई नहीं टिकता। अरे बंदे में तो दम लगता है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। कांजी भाई और पीके के द्वारा दी गई दलीलों का उत्तर देने की अनुमति मैं इस कोर्ट से मांगता हूं। ये रहे इससे संबंधित सारे कागजात। यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड।
सर्वप्रथम मैं कांजी भाई और पीके को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी सफाई से इस कोर्ट के समक्ष भगवान, धर्म तथा अन्य गंभीर विषयों पर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने सोई हुई जनता को जगाया है, पर इन प्रश्नों का हुआ क्या? इन अनुत्तरित प्रश्नों ने न जाने कितने भारतीयों का भगवान, संस्कृति और उन पर उनकी आस्था का गला घोंट दिया है, जिसकी वजह से करोड़ों भारतीयों के हृदय में आज एक ऐसा ही कांजी भाई बैठा है। अरे ओ आस्था चैनल, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। हाँ तुमने, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी कोई भजन मंडली नहीं जो सब तुम्हारी ताल में ताल मिलाएंगे। ये कोर्ट है, कोर्ट। शब्दों के कीचड़ की होली खेलने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं कांजी भाई, और तुम्हारी ये बचकानी बातों की शोभा कॉमेडी सर्कस ही बढ़ाएगी। मैं तो यहाँ तुम्हारे अज्ञान का चैनल बंद करके ज्ञान के दर्शन का चैनल चालू करने आया हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। हम सब भगवान का बच्चा है ना, तो कौन नॉर्मल बाप अपना बच्चे को बोलेगा कि बेटा गुलटिया मार तो तुहार काम करूंगा। तुहार पापा कभी बोला था कि बेटा नया डेरेज चाहिए तो चल गुलटिया मार? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज, ये गुलटिया नहीं है, इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। गुलटिया तो बंदर मारते हैं। देखो पीके, हम जिस दृष्टि से इस भौतिक संसार के पिता पुत्र के संबंध को देख रहे हैं, उसी दृष्टि से भगवान और हमारे संबंध को देखते हैं, जबकि हमारा और भगवान का संबंध आध्यात्मिक स्तर पर है, जिसे देखने के लिए एक सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण कई बार हम बाहरी क्रियाओं को गलत समझ लेते हैं, जिस प्रकार एक मनोरोगी को डॉक्टर बिजली के झटके देता है, लेकिन किसी अज्ञानी व्यक्ति को यह अत्याचार की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर का उद्देश्य उस मनोरोगी को नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है। उसी तरह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है जिससे हम भगवान और हमारे संबंध को देख सकते हैं, और यह दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, और यह तपस्या एक ट्रीटमेंट की तरह है। बार बार दंडवत प्रणाम करने से हमारा मिथ्या अहंकार खत्म होता है और यह हमको आत्मा के स्तर पर ले जाता है। कांजी भाई, एक सवाल पूछूं आपसे, आशा करता हूं आप बुरा नहीं मानेंगे। कांजी भाई, आपकी लाइफ में सबसे बेहतरीन तोहफा आपको कौन सा मिला है? क्या? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कैसा सवाल है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बताओ ना कांजी भाई, हम सब जानना चाहते हैं, बताओ। मेरी लाइफ में, हाँ, जब मैंने मैट्रिक पास किया था तब मेरी माँ ने मुझे एक लॉकेट दिया था, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। कीमती? क्या कांजी भाई, आपको इस लॉकेट के अलावा और कोई कीमती गिफ्ट नहीं मिला लाइफ में? अरे ये सिर्फ लॉकेट ही नहीं, मेरी माँ का त्याग है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है। अरे कितनी भावनाएं जुड़ी है इससे, तुम्हें क्या मालूम। एग्जैक्टली कांजी भाई, जैसे आपके लिए ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, उसके पीछे आपकी माँ का त्याग है, उनका प्यार है, ठीक उसी तरह जब भगवान को लोग अपने बाल अर्पण करते हैं ना कांजी भाई, तो भगवान के लिए वो सिर्फ बाल नहीं, उसके पीछे उन भक्तों के सौंदर्य का त्याग है, हृदय का प्रेम है, जीवन का समर्पण है। अरे कितनी भावनाएं जुड़ी हैं इन बालों के पीछे कांजी भाई, आपको क्या मालूम। और वैसे भी भगवान भावग्राही हैं, बालग्राही नहीं। वो सब ठीक है, लेकिन विदेशों में जो विग बनाने के लिए बाल बेचे जाते हैं, उनसे आने वाले पैसों का क्या? क्या ये श्रद्धा का धंधा नहीं है? कांजी भाई, ऐसा सवाल पूछ के आप इतिहास के प्रति अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन कर रहे हो। भारी मात्रा में विग बनाने की तकनीक हाल ही में विकसित हुई है माय लॉर्ड, परंतु लोग तो हजारों वर्षों से मंदिरों में जाकर अपने बाल अर्पण कर रहे हैं, तो इस प्रथा की स्थापना आपके विग बनाने के लिए नहीं हुई है? और वैसे भी जो बाल हजारों वर्षों से कूड़े में फेंके जा रहे थे, अगर आज उन्हें बेचकर कोई मंदिर धन की प्राप्ति करके प्रसाद का वितरण, भगवान का भव्य श्रृंगार, गुरुकुल की स्थापना और गायों की सेवा करता है, तो इसमें क्या बुरा है? ये श्रद्धा का धंधा नहीं कांजी भाई, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट का धंधा है, ये तो अक्लमंदी की बात है। चलो अजय जी, माना कि इन बालों से और जमीन पर लेटकर प्रणाम करने से कुछ भला हो रहा है, परंतु आप मुझे एक बात बताएं, भगवान तो सब जगह है ना? हाँ बिल्कुल। तो मंदिर में जाके उन पत्थर को पूजने की क्या आवश्यकता है? एक बात बताओ, जब भगवान सब जगह हैं,
तो मंदिर में क्यों नहीं? You mean to say, भगवान सब जगह हैं, पर मंदिर में नहीं? अजीब बेवकूफी है। कांजी भाई, आप पानी तो पीते होंगे ना? कैसे पीते हो? कैसे पीता हूँ? मतलब? मेरा मतलब है, आप किस में पानी पीते हो? अरे भाई, जैसे अभी आपने पिया वैसे, गिलास में। कांजी भाई, गिलास में ही क्यों पीते हो पानी? पानी तो सब जगह है ना, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन तो हवा में भी है। तो आप डायरेक्टली ऐसा हवा में से ऐसे क्यों नहीं पीते पानी आप? माय लॉर्ड, इस कोर्ट में कैसी पागलों जैसी बातें हो रही है। कोई हवा में से पानी कैसे पी सकता है? एग्जैक्टली कांजी भाई, एग्जैक्टली। जैसे पानी हर जगह है, पर उसे पीने के लिए इस गिलास की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह भगवान भी सभी जगह हैं, परंतु उन्हें मूर्ति रूप में सहजता से पूजा जा सकता है। तो इसका मतलब, अजय कृष्ण जी, हम रास्ते में पड़े किसी भी पत्थर को पूज सकते हैं? उही तो हम कह रहा हूँ, एक पत्थर लो, लाल टीका लगाओ और हो गए भगवान। कांजी भाई, आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है क्या? प्रेम पत्र? हाँ लिखा है। तो कांजी भाई, उस जमाने में आपने ईमेल तो नहीं किया होगा ना? तो कैसे डाला आपने? मैंने पोस्ट किया था। पोस्ट किया? कहाँ पर? अरे सरकारी पोस्ट बॉक्स में, और कहाँ। पक्का? सरकारी लाल डब्बे के पोस्ट बॉक्स में ही पोस्ट किया? अरे हाँ। पक्का कांजी भाई? अरे हाँ, बोला ना मैंने आपको। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कांजी भाई अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी पोस्ट बॉक्स में ही डालते हैं। माय लॉर्ड, आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर। अच्छा कांजी भाई, सुना है सुनवाई के बाद आपके पास बहुत पैसा आया है। कांजी भाई, जरा मुझे 1,000 का नोट तो दो ना। माय लॉर्ड, ये क्या चल रहा है? कांजी भाई, दो तो सही, मैं आपको वापस कर दूंगा। ये लो कांजी भाई, 1,000 का नोट। अरे क्या ये पागल हो गया है? क्या कांजी भाई, ये तो आपके नोट से भी बड़ा है, पूरे A4 साइज का है। अरे कांजी भाई, आपने मेरा नोट क्यों फाड़ दिया? अरे क्यों मतलब क्या? ये नोट, इसकी कोई वैल्यू है? अरे ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो कांजी भाई, जिस तरह आप कोई भी लाल डब्बे में पत्र नहीं डालते और किसी भी कागज को पैसा नहीं मानते, कांजी भाई उसी तरह हम रास्ते के कोई भी पत्थर को भगवान नहीं मानते। जब तक शास्त्र के द्वारा वो ऑथराइज नहीं किया गया हो, और उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कांजी भाई, प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन कुछ लालची लोग कहीं पर भी पत्थर रखकर भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और कुछ लोग बन भी जाते हैं। और पीके, तुमने भी तो गांधी जी की फोटो वाले बहुत सारे पेपर इकट्ठे किए थे ना, लेकिन चला वही जो ऑथोराइज था। माना कि मूर्ति रूप में भगवान की पूजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है? जब हजारों भिखारी बार भूख से तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, अरे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। जज साहब, ये बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। परंतु जज साहब, मेरा इस कोर्ट से यह प्रश्न है, क्या वाकई मंदिरों और लोगों के भूखे मरने में जरा सा भी संबंध है? अगर हमें वाकई लोगों के भूखे मरने की चिंता है, तो ये बड़े बड़े थिएटर्स, मॉल्स, IPL, वर्ल्ड कप, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इन सब पर जब करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? माय लॉर्ड, केवल जब मंदिरों की बात आती है, तभी क्यों गरीबों की याद आती है? अगर उस धनराशि का थोड़ा सा भी भाग गरीबों को खिलाने में लगाया होता, तो पूरे विश्व की भूख की समस्या हल हो जाती। ज्यादा दूर क्यों जाते हो जज साहब? पीके मूवी बनी 85 करोड़ में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 615 करोड़ का, तो माय लॉर्ड कुल मिलाकर मुनाफा कितना हुआ? 530 करोड़ का, पूरे 530 करोड़ का मुनाफा, माय लॉर्ड पूरे 530 करोड़ का। तो मेरा ये प्रश्न है, इसमें से कितना परसेंट भूखे गरीबों पर खर्च किया गया? 100%? पॉसिबल ही नहीं। 50? नहीं। 25%? 25? माय लॉर्ड, शायद सिर्फ 0%। और इन्हीं कांजी भाई से ही पूछ लीजिए, इन्होंने मुआवजे के 1 करोड़ में कितना परसेंट गरीबों को दान किया? माय लॉर्ड,
ये मूवी कहती है कि धर्म श्रद्धा का धंधा करता है, बल्कि असलियत तो यह है माय लॉर्ड कि इस मूवी ने श्रद्धा की निंदा का धंधा किया है। माय लॉर्ड, श्रद्धा की निंदा का धंधा, और वो भी पूरे 530 करोड़ का। 530 करोड़, ओह माय गॉड। लेकिन हम कह रहा हूँ, जॉन डर गया सो मंदिर गया। हाँ, यह सत्य है कि कुछ लोग डर के कारण मंदिर जाते हैं, लेकिन डर ही एक कारण नहीं है मंदिर जाने का। जिस प्रकार कुछ लोग डर कर, कुछ लोग कर्तव्य समझकर और कुछ लोग देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सरकार को टैक्स देते हैं, कारण चाहे जो भी हो, टैक्स देने का सिद्धांत गलत नहीं है। उसी तरह कुछ लोग डर कर, कुछ लोग कर्तव्य समझकर और कुछ लोग भगवान से प्रेम के कारण मंदिर जाते हैं। अच्छा, क्या तुम सिगरेट पीते हो पीके? हमारा तो बस नाम ही पीके है, बाकी पीता कुछ नहीं हूँ। क्यों नहीं पीते? अरे उस डिबिया पे लिखा होता है ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसका मतलब है तुम डरते हो इसलिए सिगरेट नहीं पीते? हाँ बिल्कुल, ईगोला का ना ही हूँ तो क्या हुआ, डर तो लागत है ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सकारात्मक डर होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही भला होता है। दत्त साहब, हम कंफ्यूज आ गया हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, गार्ड का अलग अलग लोग। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चाचा साहब, हमका झूठ बोले आवत ही नहीं है, झूठ तो सबत से निकलता है, और हमरे गोले पे तो हाथ पकड़कर दिमाग पढ़ लेता है। लाओ हाथ। आप तो कसम खाइए। ठीक है, हम कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गार्ड का अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है, कौनू बोलता है सोमवार को उपवास करो तो कौनू बोलता है मंगल को, कौनू बोलता है सूरज ढलने से पहले भोजन करो तो कौनू बोलता है सूरज ढलने के बाद रोजा तोड़ो, कौनू बोलता है गैया की पूजा करो तो कौनू बोलता है उसका बलिदान करो, कौनू बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ तो कौनू बोलता है बूट पहन के चर्च में। ससुरी, कौन सी बात सही है और कौन सी गलत समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज आ गया हूँ, सारा ही रॉन्ग नंबर है। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, केवल समझने की बात है। जब तक आपको यह नहीं पता कि राइट नंबर क्या है, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि यह रॉन्ग नंबर है? और गलती से कभी रॉन्ग नंबर लग भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नंबर डायल करना ही छोड़ दें। अच्छा पीके, इंडिया में कौन सी साइड में गाड़ी चलाते हैं? लेफ्ट माँ वकील साहब। लेकिन अमेरिका में तो राइट साइड में चलाते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से वो गलत है? हाँ बिल्कुल, फिर तो वहाँ सब लुल है। लेकिन पीके, वहाँ ऐसा ही है, अमेरिका में राइट साइड में ही गाड़ी चलाते हैं। पीके, दोनों देशों के नियम दिखने में एकदम विपरीत लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक उसी तरह सारे धर्मों का उद्देश्य एक ही है, भगवान के बारे में जानना। चाहे दिखने में हर धर्म के कुछ नियम अलग अलग हों, लेकिन हर नियम रॉन्ग नंबर नहीं होते। कौन सा धर्म, दिखाओ ठप्पा। है कौन ठप्पा आपकी बाड़ी पे? अरे टुकुर टुकुर काहे देखा तो, अरे शर्मा काहे रहे हो, चलो सब लोग अपने कपड़ा उतारो। है कौन ठप्पा बाड़ी पे? अरे का शर्मा रहे हो, चलो हम भी उतारता हूँ। ठीक है, ये देखो, है कौन ठप्पा? हाँ, है कौन ठप्पा? नहीं है ना। मिस्टर पीके, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में रहकर ही कहिए। अच्छा पीके, ये क्या है? सरट है। किसकी? हमरी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन फिजूल की बातों से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। माय लॉर्ड, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। अच्छा ये क्या है? हाथ है। किसका? अरे हमरा हाथ है। अच्छा ये क्या है? सर है। किसका? हमरा है। जो तुम ये बार बार हमरा बोल रहे हो कि ये आपका हाथ, आपका शर्ट, आपका सर, तो इसमें आप कहाँ हो? अच्छा, तो एक्चुअली पीके, ये शरीर अलग है और हम अलग हैं। वास्तव में इस भौतिक संसार में जो धर्म है वो हमारे शरीर के आधार पर है, लेकिन हम यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। जिस तरह हमें इस शरीर के आधार पर इंडियन, अमेरिकन, रशियन कहा जाता है, उसी तरह हमें हिंदू, मुसलमान, सिख की उपाधि दी जाती है, और ये सब बहाय धर्म है।
जिन्हें हमें अपनाने पड़ते हैं। जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी यूनिवर्सिटी की स्टैंप लिए पैदा नहीं होता बल्कि अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह धर्म भी एक माध्यम है जिससे कि हम शुद्ध हो सकें और भगवान के प्रति प्रेम को जगा सकें। लेकिन कुछ ढोंगी लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, इसलिए हमें खरे साधु के पास जाना चाहिए। पर अजय कृष्ण जी, साधु के माथे पे क्या लेबल होता है कि मैं खरा हूं और मैं झूठा? आज मार्केट में ओरिजिनल 500 के नोट के साथ साथ जाली 500 रुपए के नोट भी पाए जाते हैं, आपको पता है ना? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई गाइडलाइंस से हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को पहचाने। उसी तरह भगवान ने हमें जो शास्त्र रूपी गाइडलाइंस दिए है ना कांजी भाई, उसका आधार लेकर हमें जानना चाहिए कि ये साधु इन चार संप्रदायों कुमार, श्री, रुद्र और गौड़ीय संप्रदाय में से आते हैं या नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे रे अजय कृष्ण जी, जब इतना झमेला है तो इन सब साधुओं के पास और गुरुओं के पास जाने की क्या जरूरत है? हम सीधा ही भगवान के पास क्यों ना जाएं? अरे कांजी भाई, अगर केवल 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए मिल्खा सिंह को एक गुरु की आवश्यकता पड़ी तो क्या हमें यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं? और फिर गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। और अब हम किसकी माने, भगवान की या किसी थर्ड क्लास आदमी की? ठीक है ठीक है, चलो मान लिया कि हमें साधुओं की भी आवश्यकता है, पर इन रीति रिवाजों का क्या? न जाने कितना लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर इन गंदी नालियों में बहा दिया जाता है, उसका क्या? हाँ, हम भी तो ई बोल रहा हूँ और भगवान भी ई चाहते हैं। हमारा करोड़ों बच्चा भूखा सोता है फुटपाथ पे डेली, उका ही दूध पिलाओ, हमका काहे साबर दे रहे हो? आपको प्रॉब्लम किससे है, रीति रिवाज से या दूध के वेस्टेज से? दोनों से। कांजी भाई, हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम सालों साल हर साल बर्थडे पे विश करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं, तो ये विश करने का, ये गिफ्ट देने का, ये एक माध्यम होता है उस व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का। ठीक वैसे ही कांजी भाई, ये शास्त्र और रीति रिवाज एक माध्यम है भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का। और रही बात गटर में बहने वाले दूध की, तो कांजी भाई ये रीत की खोट नहीं, ये उस मंदिर के व्यवस्थापन की खोट है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार चढ़ाया गया दूध चरणामृत होता है और ये चरणामृत भक्तों में बांट दिया जाना चाहिए, ना कि गंदी नालियों में बहाया जाना चाहिए। और पीके तुम बात कर रहे हो भूखे बच्चों को दूध पिलाने की, और वही दूध देने वाली गाय को रोज हजारों की संख्या में मारा जा रहा है, क्या उसके लिए तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं है? क्या ये रॉन्ग नंबर नहीं है? 40 रुपए का दूध जो श्रद्धा के साथ शिवजी पर चढ़ाया जाता है वो वेस्टेज लगता है, लेकिन जो जग्गू 700 रुपए की शैंपेन खोलती है तुम्हारे साथ, क्या वो रॉन्ग नंबर नहीं है? एक तरफ तुम बोलते हो हर मुसलमान धोखा नहीं देता, और दूसरी तरफ तुम बोलते हो कि हर रीति रिवाज रॉन्ग नंबर है, क्या ये रॉन्ग नंबर नहीं है? अरे अरे, लेकिन इतने सारे लोग जो भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन लेकिन भगवान बदले में क्या देता है? भूकंप के झटके और सुनामी के फटके? अरे ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। जज साहब, मैं खुद इसी का शिकार हूँ। कांजी भाई, कुछ मिनटों के लिए भूकंप आना या कई वर्षों तक भूकंप ना आना, ये दोनों भी एक्ट ऑफ गॉड हैं। अगर कोई कुछ मिनटों के लिए आने वाले भूकंप के लिए भगवान को कोसता है और उनसे अपने नुकसान का मुआवजा मांगता है, तो क्या हमें कई वर्षों तक और कई बार पूरे जीवन काल तक भूकंप न आने के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? इस तरह से हम भगवान को नहीं कोस सकते कांजी भाई। अगर भगवान नहीं तो इन सब हादसों के पीछे कौन जिम्मेदार है? मान लीजिए अगर हम गलती से बिजली के तार को छू लेते हैं और हमें शॉक लगता है, तो क्या हम बिजली घर को दोषी ठहराते हैं? नहीं ना, गलती तो हमारी है, हमने उस तार को छुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, उसके जिम्मेदार भगवान नहीं, हम खुद होते हैं। कांजी भाई, अगर हम रात को ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं तो सुबह हमें जुकाम हो जाता है, परिणाम कुछ घंटों बाद आता है। अगर कोई चॉकलेट खाता है तो उसके दांत सड़ जाते हैं,
परिणाम वर्षों बाद आता है। अगर कोई भारी मात्रा में सिगरेट फूंकता है तो उसे लंग कैंसर हो जाता है, परिणाम कुछ दशकों बाद आता है। उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें कुछ जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो आज दुख में है वो आज अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अजय कृष्ण जी, कर्म के ज्ञान को इतनी सुंदर रूप से समझाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। लेकिन मैं क्या करूं अजय कृष्ण जी, मैं क्या करूं? आखिर मैं तो इंसान ही हूं ना, और इसलिए सब समझने पर भी मेरा मन एक ही सवाल पूछ रहा है, मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ अजय कृष्ण जी? हौसला रखें कांजी भाई, हौसला रखें। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स डार्केस्ट जस्ट बिफोर सनराइज। हम सभी को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोयला भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही हीरे में बदलता है। लेकिन इन परिस्थितियों से गुजरते समय हमें भगवान और उनके अचिंत्य योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। कांजी भाई, हम हमारा भविष्य नहीं देख सकते, परंतु भगवान उसे देख सकते हैं। इसलिए वो हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान में तब्दीलियां लाते हैं, और कई बार वह तब्दीलियां हमें इस प्रकार संभ्रमित करती हैं कि हमारा भगवान पर से विश्वास डगमगा जाता है। कांजी भाई, आप हौसला रखें, भगवान पर विश्वास रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ माय गॉड, हमारा तो दिमाग बिल्कुल लुल हुई गया था। अब जाके पता चला कि राइट नंबर का है। जज साहब, हमारी भी कुछ हेल्प बा कीजिए ना प्लीज। अरे तुमने सुना, पीके बोला ओ माय गॉड। अरे भाई बोलेगा ही, अब तो उसका जीरो बटन लुल हो गया। अब इसका कभी रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा, ना ई गोला पे ना ऊ गोला पे। तमाम सबूतों, गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये सत्य है कि धर्म के नाम पर कुछ अज्ञानी लोग धंधा करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि अजय कृष्ण जैसे सच्चे भक्त आज भी मौजूद है। धर्म वो धागा है जो मनुष्य और भगवान को जोड़ता है, इसलिए धर्म और भगवान के अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। धर्म तो वो विज्ञान है जो मनुष्य को संस्कृति, वास्तविक ज्ञान, शांति और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए कांजीभाई मेहता का ये केस खारिज किया जाता है और अदालत ये आदेश देती है कि तपस्वी से पीके का रिमोट वापस दिलवाया जाए और तपस्वी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, रॉन्ग नंबर नहीं राइट नंबर डायल करें, लेकिन डायल करना नहीं छोड़ें और राइट नंबर के लिए हरे कृष्णा भक्तों से संपर्क करें। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, शायद शर्म से अपना मुंह छिपा रहा था। कुछ सीख कर गया और कुछ सिखा कर, भगवान और धर्म के बारे में सीख कर गया और सिखा के गया। जीरो बटा लल।